Good morning, students. I'm Amitabh Ghosh from Great Mission Public School. And in today's tutorial, I'm going to show you how to log into NIT NGuru portal and how to practice quiz from this website. So I already gave you username and password of NIT NGuru. I hope you all have that ID. You might have note down in your diary. So to log into NIT NGuru website, what you have to do, you have to open Google Chrome browser. So I have Google Chrome browser over here. So click over here. And in this search box, you will type NIIT NGuru.com. Once you type this website address, please click over here and it will open the portal of NIT NGuru. So you will find this login screen or use with username and password. For you, I have created a demo account so that I can show you how to log into NIT website. This is the crucial page where you will log in with correct credential. If it is wrong, it won't allow you to log into NIT website. So my demo account is amitabhg77368ilp. So if you notice this username, it is similar to the username format that I have given to your NIT NGuru username list. So ये format जो होगा उसमें आपका first name होगा, surname का पहला letter होगा, जिनका surname नहीं हो है username में उनका first name का first character यहाँ show किया होगा. Then there might be some numbers, but make sure 368 should be there. And then ILP, it stands for Introductory Learning Program. ये आप small letter में लिखे या capital letter में लिखे username, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर मैंने capital में लिखा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैंने small letter में लिखा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. But make sure your password should be type correctly. उसके लिए आप इस आई आइकन में क्लिक कीजिए, क्योंकि पासवर्ड नॉर्मली एस्ट्रिक या डॉट में दिखाएगा यहाँ पर, और आपको मालूम नहीं चलेगा कि आप पासवर्ड ठीक से टाइप कर रहे हैं कि नहीं. सो मैंने कहा था पासवर्ड आपका होगा वेलकम 123 विथ डब्ल्यू कैपिटल. सो ध्यान रखिएगा जब आप पासवर्ड टाइप कर रहे हैं, आपके मोबाइल में अपवर्ड एरो में आप क्लिक कीजिए टू मेक डब्ल्यू कैपिटल. वंस इट कम्स कैपिटल डब्ल्यू, क्लिक ऑन डब्ल्यू, देन रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर और अल्फाबेट शुड बी रिटन इन स्मॉल लेटर. ये देखिए वेलकम इस तरह से लिखना है, देन 123. वंस यू आर श्योर दैट योर यूजर नेम एंड पासवर्ड इज करेक्ट, क्लिक ऑन साइन इन. वेट फॉर ए वाइल और कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा. मैंने डेमो अकाउंट क्लास 3rd A1 में के लिए बनाया है. आपका अपनी क्लास के हिसाब से आपकी क्लास यहाँ शो करेगी. अगर आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ देखिए आपके चैप्टर्स के नेम शो कर रहे हैं. इफ़ यू स्क्रॉल राइट साइड, ये सारे चैप्टर सीक्वेंस में आपको दिखा रहे होंगे. So as of now, for PA2, I have given two chapters, that is chapter number 3 and chapter number 4. तो आपको जो chapters assign किए हैं उस chapter में आप click कीजिएगा. जैसे मैं यहाँ chapter number 3 में click कर रहा हूँ and it will open this chapter. देखिए यहाँ पर chapter का name ऊपर top में दिया हुआ है. अब हमें क्विज़ की प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पर जो
क्विज का बटन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड इट विल गिव यू सम टॉपिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। इन सब को आप सेलेक्ट कीजिएगा। आप देखिएगा हर चैप हर टॉपिक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। जैसे पहला जो टॉपिक है क्रिएटिंग एन एनिमेशन, इसमें 1 शो कर रहा है। देन इन सेकेंड टॉपिक यू हैव 3, देन 6, 2, 2, 2। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको क्विज में ये सारे मिलेंगे। वंस यू मार्क्ड एवरी टॉपिक, क्लिक ऑन लेट्स स्टार्ट। जैसे आप लेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ देखिए ऊपर 16 क्वेश्चन दिखा रहे हैं इस चैप्टर में। सो पहला जो क्वेश्चन आएगा उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। देन अकॉर्डिंग टू द आंसर गिवन इन द मल्टीपल चॉइस आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा। मैं ऐसी रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट रीडिंग इट प्रॉपरली, जस्ट टू शो यू दिस डेमो वीडियो आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। बट आप जब क्विज की प्रैक्टिस करेंगे यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रॉपरली एंड देन सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अगर आंसर गलत भी होता है तो वो यहाँ शो कर देगा। जैसे मैं रैंडमली कोई आंसर सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, अगर आंसर दैट्स सही है करेक्ट। यू विल गेट द पॉप अप ऑडियो मैसेज दैट्स करेक्ट, और ये ग्रीन में दिखाएगा। अगर आप दूसरा सेलेक्ट करते हैं तो वही आपको पॉपअप ऑडियो आएगा और उसको रेड में वो शो करेगा। इसका मतलब वो आंसर आपने जो सेलेक्ट किया वो गलत है। देखिए ये मेरा सही था इसलिए करेक्ट कहा है। सो आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। दूसरा मेरा फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ मैं एक रैंडमली क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये भी सही दिखा रहा है दैट्स करेक्ट। बट मुझे आपको एक गलत आंसर भी दिखाना है। सो कैसे होगा, लेट्स से मैं इस क्वेश्चन का आंसर को पीडीएफ सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए ओप्स ये जब दैट इज गलत होगा, इनकरेक्ट। जब गलत होगा तो ये यहाँ पर रॉन्ग दिखाएगा और ऑडियो में भी आपको मैसेज आएगा। तब आप क्या करेंगे, आप करेक्ट आंसर में क्लिक करेंगे। देखिए इस दैट्स तरह से। करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रैक्टिस। वंस यू आर डन, मैं जल्दी में इसको ख़त्म कर रहा हूँ। सो वंस इट इज दैट्स डन करेक्ट। आपको ये पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे ये दिखाएगा। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। इफ़ यू प्रैक्टिस इन ए रेगुलर रूटीन यू विल कम टू नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिवन इन द क्विज। जब ये हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, आप इस क्रॉस और एक्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप बाहर आ जाएंगे। देन ऊपर आप जो देख रहे हैं, आप यहाँ चैप्टर नेम में क्लिक करेंगे एंड यू गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 4। सो ये चैप्टर नंबर 4 का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपको ये क्विज का ऑप्शन वो देगा। सो यू क्लिक ऑन क्विज और उसी तरह से आपको यहाँ दोबारा सारे टॉपिक्स सेलेक्ट करने हैं एंड यू क्लिक ऑन लेट स्टार्ट। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 है। तो इसी तरह से आप एक एक क्वेश्चंस को पढ़िए ध्यान से और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। सो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदर देन दैट आपको आपके बुक पेजेस मैंने ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में शेयर कर दिया है, वहाँ से आप चेक पॉइंट्स चैलेंज जोन पूरा करेंगे। लेकिन आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर्स की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, बुक के अंदर से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं और मैंने वो चीज़ अच्छे से पढ़ा दी है आपको, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ओके, दैट इज़ इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। यू हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।